ऑल राइट बॉयज, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो गाइज कैसे हैं आप लोग? तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि भाई यार मैं इंट्रो कर रहा था, बीच में से गाड़ी लेके गया, इंट्रो खराब हो गया ना मेरा, बताओ सही बात है ये? तो गाइज छोड़ो, वो जाने दो। तो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट वाली वीडियो में गाइज हमने एक अलादीन का गोल्डन ट्रक वाला हैविली गार्डेड कॉन्वॉय हमने लूटा था, मतलब क्या ही बताओ यार। और उसमें हमने बहुत ही एक सही चीज़ का इस्तेमाल किया था, वो था रैम ट्रक। उससे जो मज़े आए हैं यार, मतलब है। और इसका थ्रॉटल देखो यार, सही चीज़ थी यार ये भी। तो कोई नहीं, तो गाइज मैं बेसिकली अभी ये बता रहा था कि अलादीन तो बहुत ही मतलब गुस्से में होगा, प्रिजन के अंदर है वो, कुछ कर भी नहीं सकता। तो गाइज अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर, बिकॉज गाइज आज फ्रैंकलिन को मतलब मैं पिक करने आया हूँ कि फ्रैंकलिन आएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे आगे। आज बहुत सारी काम है। एक मिनट ये बंद करो। फ्रैंकलिन भाई ये कहाँ रह गया यार? एक मिनट, ये डोर खुला है, यहीं से चलते हैं अंदर। चॉप की भी आवाज़ नहीं आ रही यार। चॉप मतलब ये फ्रैंकलिन का कुत्ता है, सही वाला कुत्ता, मतलब ऐसे किसी को मतलब मैं बोल नहीं रहा। एक मिनट, ये देखो वो नीचे जिम वगैरह कर रहा है यार। अरे इसको मैंने बोला था मैं काम से आ रहा हूँ और ये अभी तक मतलब जिम भी नहीं कर रहा। अरे कुछ खैर जाने दो, ये फ्री टाइम में भी जिम ही करता होगा, वो काम के टाइम पे जिम करता है तो फ्री टाइम में तो जिम करता ही होगा। कोई नहीं, चलो। तो गाइस चल के मैं अभी इससे बात कर लेता हूँ, आज के मिशन की डिटेल देता हूँ इसको सर। तो गाइस मेरी जो है अभी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, और गाइस हमें अभी फ़िलहाल तो लेसनर के पास जाना है। लेसनर कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा सुपर वेपन अपने लॉस सैंटोस में कुछ दिनों के लिए आ रहा है, और उस वेपन पे बहुत सारी गैंग्स की नज़र होने वाली है। तो ये थोड़ा मतलब अब जब हो सकता है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो देखो मतलब सच में अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कम लोगों को पता है, और लेकिन ये बहुत ही बड़ा सुपर वेपन है। तो बहुत लोग इसके पीछे आएंगे या नहीं आएंगे वो मुझे सच में नहीं पता। तो अभी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि फ्रैंकलिन ने हमें कहाँ बुलाया है। एक छोटा सा वेयर हाउस है जहाँ पे हम लोग को इसने बुलाया है। कहाँ है भाई वो? हाँ यही है शायद से, हाँ यही है। ओके, तो गाइस मिशन की जो है सारी डिटेल्स तो मुझे पता नहीं, लेसनर के पास ही रहती है, बिकॉज लेसनर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद के पास रखता है, हम लोग को इकट्ठा करता है और सबको मतलब साथ में बताता है। मतलब किसी के साथ मतलब धोखा वगैरह हो, गिले शिकवे हो, ये इसका कोई चांस ही नहीं रहता। हमारी टीम बॉन्डिंग जो है वो एकदम परफेक्ट रहती है, जिसकी वजह से मैं माइकल मैं ही हूँ माइकल, ड्राइवर फ्रैंकलिन और लेसनर, हमारा जो स्क्वाड है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड होने वाला है पूरे लॉस सैंटोस में। तो गाइज अभी हम लोग भी चलते हैं यार लेसनर के बताए हुए लोकेशन पे। ओके, तो लेसनर है तो यही पे कहीं पे तो बुलाया था यार, पता नहीं कहाँ पे बुलाया था, मतलब लोकेशन पता है। ओके ये रहा, ऐसे कैसी जगह पे बुलाया यार इसने? ओबियसली, सॉरी लेसनर है यार ये, ऐसी जगह पे ही तो बुलाएगा ये। क्या हुआ ये? ओके कुछ नहीं, वो देखो वो दोनों मतलब ड्राइवर और लेसनर वहाँ पे प्लान डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी ठीक है ना, गलती से लग गया, कोनी लगी तो ये करने लगा। तो गाइज मेरी जो है अभी मतलब लेसनर से बात हो चुकी है, और उसने मुझे और ड्राइवर को एक काम पे भेजा है, मतलब काम बहुत ही सिंपल है। तो गाइज काम ऐसा है कि हम लोगों को अभी मिलिट्री बेस पे जाना है, मतलब मिलिट्री बेस के बाहर। भाई ये भगता हुआ कहाँ जा रहा है यार? कार में अंदर लेके आया था अंधे भाई मेरे। ये देखिए औरत, पागल औरत है, बचपन में ये दिमाग से गिर गई थी क्या, पागल सनी। तो गाइज अभी हम लोगों को मिलिट्री बेस जाना है, और वहाँ पे जाके मतलब देखना है कुछ अजीब घटना हो रही है क्या। तो गाइज मैं अभी मिलिट्री बेस पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब जो भी है वो लेसनर को बताना है, बिकॉज लेसनर का शक ऐसा है कि यहाँ पे जो भी है वही सबसे बड़ा सुपर वेपन होने वाला है। तो ये सुपर वेपन है क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेसनर कर कोई इसके बारे में इतनी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट है इसमें, तो पक्का कुछ तो बवाल चीज़ ही होगी यार ये।
हम लोगों को तो बस पानी निकालना है यार। यहाँ से अंदर तो ये लोग जाने नहीं देंगे। एक मिनट, यहाँ पे एक कार्गो प्लेन आ रहा है यार। ये इस कार्गो प्लेन में क्या है? एक मिनट, मैं को देखना पड़ेगा। ये दूसरी जगह जाके लैंड हो रहा है। यहाँ से तो नहीं देख सकता यार, यहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला। ये जो कार्गो प्लेन है ये तो मतलब जा चुका है, लेकिन ये जिस जगह से इसने टेक ऑफ किया उस जगह को जाके स्काउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे मतलब ऐसा क्या या आया था यार आज मिलिट्री बेस में कि इन लोगों ने इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, कुछ जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। ऑफ रोडिंग के लिए ले जाने को दिल से बुरा लगा यार। लैम्बोर्गिनी को ऑफ रोडिंग के लिए लेके आया हूँ यार मैं, पाप लगने वाला है मुझे बहुत ज़्यादा वाला। यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, यहाँ से आगे से एक ऑफ रोड जाता है ना, आगे से ऑफ रोड जाएगा जाता है यहाँ पे नीचे। मतलब ये जो ब्रिज है ना, इसके नीचे एक मतलब स्वैम्प है। स्वैम्प मतलब क्या बताऊँ, एक छोटी दलदल टाइप या फिर रिवर है जो सूख गई है लिटर, थोड़ी बहुत मतलब उसका मॉइस्चर है। स्वैम्प पता होगा यार हम लोगों को, दलदल। तो उसी दलदल को हम लोग अभी क्रॉस करेंगे। और नाइस 360 और माइकल ने कार को ठोका नहीं। माइकल के ड्राइविंग स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं यार, अच्छी बात है। ये देखो, ये इस साइड का मतलब वाटर तो सूख चुका है। ये कीचड़ देखो, ये कीचड़ दलदल टाइप जो भी है। मेरे को नहीं फंसना इसमें। धीरे धीरे मेरे को ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे डिफरेंस बहुत छोटा हो, यहाँ से चल सकते। ओके, बेनी मतलब बहुत गालियाँ देने वाला है ऑब्वियसली यार। ये ऑफ रोडिंग के लिए कोई लेके जाता है? नहीं, कम ऑन। यस, वी कैन डू दिस। एक मिनट, ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं यार, हम लोग मतलब एविडेंस नहीं रख सकते। एक्सक्यूज मी सर, अभी जाने दे यार, सीधा गोली मार देता। टॉर्चर करके नहीं मारेंगे उसको, आसान मौत। एक मिनट, ड्राइवर को मज़ा नहीं आया? एक मिनट, ये अलग बात है यार। चल, वापस आ रहा, कार में बैठ जा यार तू। ड्राइवर तो हम में से सबसे ज़्यादा वॉयलेंट है यार। ओके, तो ये देखो, इस साइड से ज़्यादा क्लियर है मिलिट्री बेस, बिकॉज इस साइड पे रद पे है, तो दोनों साइड का हम लोग देख पाएंगे, इसलिए इस साइड में लेके आया था। बस अभी ये जो वॉल टाइप है, ये जो रीफ है, इसको चढ़ने के लिए एक थोड़ी सी आसान सी जगह मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हो गया। मेरे को लैम्बोर्गिनी को मतलब ऐसे ऑफ रोडिंग पे लेके आया हो, उसकी भावनाओं को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ यार। लैम्बोर्गिनी के वो बच्चों को इंजेक्शन देने के बाद उन लोगों को बोलते ना, हो गया, खत्म, अब नहीं दर्द होगा, ऐसा फील होता होगा यार उसको। लैम्बोर्गिनी को ऑफ रोडिंग के लिए कौन पागल है जो लेके आएगा? शर्म करो, भगवान से डरो। ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन मिशन। जाने दो। तो गाइज, मैं यहाँ से कब से स्काउटिंग कर रहा था, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। मिलिट्री के जो नॉर्मल जेट्स रहते वो भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, एक मिनट, वहाँ पे कुछ तो है। वो क्या है? एक मिनट, एक ट्रक दिख रहा है मेरे को और दो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। वो देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर जो है वो हैंगर के अंदर है नहीं, हेलीकॉप्टर हैंगर के अंदर नहीं है, मतलब अभी अभी आए हैं वो, और मुझे देखना है कि अभी क्या कर रहे हैं वो। वो
वो जो कार्गो प्लेन गया है ना, उसमें कुछ तो पक्का होगा यार। हमको ट्रैक करना चाहिए था उस कार्गो प्लेन को। यही से देखते यार, यार बायनोकुलर्स लाना मैं हर बार भूल जाता हूँ। अभी किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा ना कि हम लोग मिलिट्री कर्नल को स्नाइप करने आए हुए। और वो हमको वार्न करने की जगह हमको एक मिनट, वो क्या है 4GT मिलिट्री की ओ हमर है। ओ भाई साहब, एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी आंखों को तो विश्वास नहीं हो रहा यार। मेरी आंखें लिटरली बालकनी में आके खड़ी है। वो ट्रक देखो इनका, क्या ट्रक है यार। ये तो वही ट्रक है, वही कंपनी का ट्रक है जिसमें हमने लास्ट वाले एपिसोड में गाइस गोल्ड चुराया था। इसको फोड़ना इम्पॉसिबल है यार। यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, वेट करते हैं यार थोड़ी देर के लिए, शायद वो कार्गो बॉब वापस से आ जाए। कार्गो बॉब मतलब वो जो हेलीकॉप्टर गया ना दो पंखों वाला, वो वापस से आ जाए यार। ड्राइवर आ जाए और तू भी कार में वेट करते हैं दोनों साथ में। तो गाइज अभी मुझे मतलब हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई थी, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड तो हुआ है, तो वो देखो वहाँ पे देखते हैं यार। स्नाइपर निकालो और जूम इन करके देखते हैं जरा। ओके वहाँ पे क्या है, एक मिनट क्या, मैंने जो देखा वो उस पर विश्वास नहीं हो रहा यार मेरा तो। क्या है ये यार माइकल, देखते तो देख, तू थोड़े से में थक जाता है। पूरा तो देखने दे कि क्या है, क्या वहाँ पे दिए देख। प्रॉब्लम क्या है यार तेरा, देखने देना। ओके, एक मिनट, ये तो कोई कार है यार। एक मिनट, ये कुछ तो कार है। मैं वो देखूँ वहाँ पे एक मिलिट्री का कर्नल खड़ा है, उसके साथ सार्जेंट भी एक वहाँ पे। पता नहीं क्या है यार ये, लेसनर को बताना पड़ेगा। छोड़, ड्राइवर छोड़िए, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। ओके सो डॉज चार्जर है और एक मिनट यार, उसका नाम क्या था। मैंने ये डॉज चार्जर कहीं पे तो मतलब ऐसी गाइस देखी हुई है, ऐसा नहीं कि कहीं देखी नहीं है मैंने। यहाँ से यार जंप करना पड़ेगा यार कार को तो। धीरे, वेरी गुड। मतलब एक मिनट ये लॉस्ट गैंग का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है बेटे, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। मैं देखो वेपन ढूंढ रहा हूँ यार, इसको मारने के लिए कुछ तो सही चीज चाहिए। ये तो टेजर का यार, इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा नशे नहीं करा करते। पीछे ही इतना मोटा क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट वाली कार आके खड़ी है, फिर भी तुम लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये लॉस्ट गैंग वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, इन लोगों का क्या काम है यहाँ पे। कोई नहीं गाइज, मुझे अभी बस छोड़ दी, बस नो फेस नो केस, एविडेंस डिस्ट्रॉयड। तो गाइज बेसिकली अभी मुझे लिसनर को यही पता है कि हम लोग मिलिट्री बेस गए थे, वहाँ पे हमने 4GT देखी, हमर देखी, दो दो टाइगर हेलीकॉप्टर देखे और एक डॉज आइस चार्जर देखी हम लोगों ने। प्रिकॉशन अच्छी चीज है लाला, जो अभी अभी बस अनलोड हुई है, तो पता नहीं यार देखना पड़ेगा लेसनर क्या कहता है उसके बारे में। लेसनर को ज़्यादा पता होगा यार इन सब चीज़ों के, हमसे भी ज़्यादा। ये देखो ये यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए निकली है मैंने की जी। ओके, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर, फाइटर जेट है यार ये तो। ये जो मिलिट्री में मतलब हलचल शुरू हुई है ना, ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक खेल रहे लगता है ये तो।
तो गाइज मैं लेसनर को कॉल करके सब कुछ बता देता हूँ और उसके इशारे के लिए वेट करते, मतलब वो जब भी हमें नेक्स्ट फेज बताएगा तब हम लोग एक्ट करेंगे उस पर। तो गाइज मेरी जो है अभी लेसनर से बात हो चुकी है और यस हम लोग मतलब अभी मैंने अपनी हर कौन परफॉर्मेंस तो इधर ही पार कर दी है। चेहरा ढकिया ना ढकिया मतलब अपनी कार को कार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये देखो बिकॉज हमने हेलमेट्स पहन लिया, अभी किसको पता चलने वाला है यार कि इस हेलमेट के पीछे कौन है। कार को देख ले तो पता चल जाता कि यार ये तो माइकल डिसांटा की कार है यार, ये तो फिर ये ट्रेवर की कार है, फ्रैंकलिन की कार है, लेसनर की तो कभी पहचानने में नहीं आएगी यार। वो हर हफ्ते अपनी कार बदलता है, सस्ती वाली कार लेता है लेकिन हर हफ्ते बदलता रहता है, अपने पैसों का वो ऐसा ही यूज करता रहता कुछ भी, इसलिए आज तक कोई लेसनर को पकड़ नहीं पाया। यहाँ पे कुछ तो इवेंट हो रहा है। अरे यार ये बुलेट नहीं चाहिए, सॉरी बट मुझे यहाँ की जो बाइक्स हैं वो चाहिए। सो आप लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, रेस कैंसिल है आज के लिए। भागो भागो भागो, अरे भागना। ओके ड्राइवर कहाँ गया यार? अभी यार ये ड्राइवर कहाँ भाग गया? अभी लगता है किसी को मारने गया। गाइज अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं फाइनली ट्रेवर को लेके शाम हो चुकी है और लेसनर के बताए हुए लोकेशन पे तो मैं आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं कहाँ पे। ये देखो ये डर्ट बाइक इसीलिए मुझे सही लगती है यार, ऐसे जंप्स कराने में बहुत मज़ा आता है। फ्रैंकलिन का यार, फ्रैंकलिन तो मुझे यहीं पे कहीं पे तो मिलने वाला है। ओके ये रहा फ्रैंकलिन, ये रहा। तो गाइज अभी उतरते चलो और अभी एक मिनट नहीं गिरा। गाइज मैं अभी फ्रैंकलिन से बात करता हूँ कि आगे नेक्स्ट फेज है क्या, नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, तो देखते हैं पूछते हैं फ्रैंकलिन से, फ्रैंकलिन को पता होगा। तो गाइज मेरी जो है अभी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो और ड्राइवर जो है वो यहीं पे अभी ऊपर वेट करने वाले, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स है वो ये दोनों नीचे लेके आएंगे। लेकिन नीचे जो है गाइज वो टनल है और उस टनल में मिलिट्री का एक चेक पॉइंट लगा हुआ है जिसको हमें अकेले कैप्चर करना है। तो हमने बोला ठीक है यार देख लेंगे हम लोग, लेकिन फ्रैंकलिन गाइज हमारे लिए एक स्पेशल गन लेके आया था गाइज, वो हमारे लिए स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लेके आया था, नर्व गैस ग्रेनेड लॉन्चर, बहुत मज़ा आने वाला है उसकी मदद से। तो और फ्रैंकलिन ये भी बता रहा था इस ये कि यहाँ पे नीचे एक लॉस्ट गैंग का एक वैन खड़ी है यार, ये देखो इस वैन की बात कर रहा था लगता है। यार लॉस्ट गैंग के बंदे आज यहाँ क्या कर रहे हैं यार? एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा। वो देखो वो वहाँ पे एक स्टोन है उसके ऊपर अभी चलना पड़ेगा हम लोग। एक मिनट कुछ तो दिखा मुझे, ये किसकी तरफ एम कर रहा है भाई? और ये तो मिलिट्री की चेक पोस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अभी ये काम खराब कर देगा मेरा, मैं इसको मार देता हूँ, मैं खुद क्लियर कर दूंगा, काम खराब कर देगा पूरा का पूरा। तू मत क्लियर कर, अभी आप लोग मुझे मतलब आप में से बहुत लोग मुझे कहोगे कि यार उसे क्लियर करने देना था फिर उसे ही मार देते। नहीं यार मतलब मुझे भरोसा नहीं है, मुझे इसमें कोई 0% रिस्क लेनी है मुझे इसमें। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है नो रिस्क, प्लीज नो रिस्क। हम लोग गाइस ना यहाँ पे खुद सबको क्लियर करेंगे। तो गाइस फ्रैंकलिन मुझे एक और बात बता रहा था कि टनल के ऊपर झाड़ियों में एक बंदा छुपा बैठा है इन लोगों का, मुझे तो वो दिख गया। और ये तीन लोग हैं, उन तीनों को कैसे मारना है वो तो मुझे पता है, इसको तो पहले स्नाइपर से डाउन करते हैं। ये गया और अब उन तीनों के लिए मेरे पास स्पेशल गन है, वो स्पेशल गन का आज मैं इस्तेमाल करूँगा। ओके वो तो डाउन है और वो नीचे गिरा नहीं, लेकिन अभी ये जरूर गिरेंगे नीचे। ये लो सब तुम्हारे लिए ही है। अरे कहाँ भाग के जाओगे, नर्व गैस से वो। ये देखो ये लोग शूट करने लगे, मतलब ये देखो मरे सब लोग मर गए। चलो। अरे पूरा बादल कर दिया था यार मैंने वहां पे, नर्व गैस का बादल क्रिएट कर दिया था।
कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री का बंदा अभी भी जिंदा, अगर जिंदा होगा तो मतलब उसको मैं भी नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो देखा था कि इनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना। ओके सो लुक्स लाइक द चेक पॉइंट इज क्लियर, इन लोगों के यूनिफॉर्म्स मुझे चुराने पड़ेंगे। और पहले तो मुझे फ्रैंकलिन और ट्रेवर को मतलब कंफर्म डेथ्स पहले करते, इन लोग पक्का मर गए ना सब लोग। ये देखो सबके गोल मत्थे पे गोलियां तो हम लोगों ने मार दी, और अभी फ्लेयर फ्लेयर डाल दे यार, मतलब कैसे यार कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर जो ऊपर है उन लोगों को पता चल जाए कि एवरीथिंग स्कूल नाउ। ग्रेनेड नहीं भाई, फ्लेयर। ओके मेरे पास फ्लेयर नहीं है, इनके कार में होगी ना, मिलिट्री व्हीकल है, सब वेपन्स तो इनके कार में हो गए होंगे। एक मिनट मैं यहाँ से फ्लेयर निकाल लेता हूँ। ओके तो फ्लेयर मुझे मिल गई, और फ्लेयर 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 चाहिए मुझे, फ्लेयर 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 दे दे यार भाई। हेलो हेलो ट्रेवर फ्रैंकलिन, ये देख लेना भाई बस। ओके बहुत फ्लेयर्स डाल दिए मैंने, अभी तो इन लोगों को मतलब दिख ही जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये बहुत सारी फ्लेयर्स गिराई है, अभी ये लोग मतलब भाजेंगे नीचे। और यस अभी इनका रेडियो हैक करते हैं यार, हैक करते हैं मतलब क्या, अभी हम लोग ही यूज़ करेंगे और देखते हैं कॉन्वॉय कहाँ तक पहुँचा है। तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सूटअप कर दिया है, और फ्रैंकलिन जो है यहाँ पे मतलब रेडियो से खबर नज़र रखे हुए सुन रहा है यार कि कॉन्वॉय कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है। मिलिट्री की रेडियो पे मतलब उसे सब कुछ पता चल रहा है कि कॉन्वॉय कहाँ तक आया है। ट्रेवर जो है वो अपना एक नॉर्मल सर्जेंट की तरह मतलब गार्ड कर रहा है, और हम लोग चीफ जैसा बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस कॉन्वॉय में से किसी भी कार में मतलब पेट्रोल कमी ना हो और किसी भी गैस स्टेशन पर उनको रुकना ना पड़े, इसलिए इस टनल में गाइस इन्होंने मतलब ये देखो गैस के टैंक्स भर के रखे थे। अरे लेकिन हमको दिख गई यार ये तो, बड़ा हरामी हो बेटा। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, फ्यूल भरने के लिए नहीं रहे इनको जलाने के लिए। ठीक है चलते फ्रैंकलिन को पूछते हैं यार ये कॉन्वॉय कहाँ तक पूछा है, मुझे सच में नहीं मालूम कॉन्वॉय कहाँ तक। और मुझे भी गाइज ड्रेसअप करने दो यार, मैंने बस ऊपर ऊपर के मतलब ये कपड़े पहने हैं, मुझे भी मतलब एक प्रॉपर सार्जेंट की तरह क्या कर्नल की तरह ड्रेसअप करना है। फ्रैंकलिन कहाँ तक पहुँचा भाई कॉन्वॉय? तो गाइस फ्रैंकलिन मुझे बता रहा था कि कॉन्वॉय ऑलमोस्ट अपने चेक पॉइंट पे आ रहा है, और तैयार हो जाओ। ओके मैं को दिखा 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 कॉन्वॉय आ रहा है, कॉन्वॉय आ रहा है, देखते हैं यार इस कॉन्वॉय में मतलब इतना क्या क्या है, ये इतना ज़्यादा सिक्योर्ड है। ये देखो फोर्ड जीटी आ गई। ओके ओके गुड न्यूज़, इट इज सेफ। एंड द बैड न्यूज़, इट इज़ वेरी सेफ। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और आज की वाली वीडियो गाइज में यही पे एंड करनी पड़ेगी। कॉन्वॉय तो आ चुका है यहाँ पे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, और अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय। ये ट्रक देखो इसके अंदर है वो सुपर वेपन।